हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ हाउस ऑफ पीपल लोकसभा इज फॉर्म्ड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बोलने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि लोकसभा कैसे बनती है। लोकसभा का दूसरा नाम है हाउस ऑफ पीपल, तो ये कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है, ब्रीफली आपको ये चीज समझाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जो हाउस ऑफ पीपल के जो मेंबर होते हैं, यानी कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जिसको आप संसद बोलते हैं हिंदी में, तो ये जो है, ये जो मेंबर है हाउस ऑफ पीपल के, डायरेक्टली चुने जाते हैं बाय द सीक्रेट वोटिंग। यानी कि जो लोग होते हैं वो अपना सीक्रेट वोट डालते हैं, चुनाव करते हैं। ओके, और वोट डालने के बाद वो इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि चुने जाते हैं। अब ये कौन लोग वोट डालते हैं, तो एवरी एडल्ट, हर वो नौजवान जिसके पास अधिकार है, राइट है वोट देने का। अब किसको अधिकार है, तो हर इंडिया का वो नागरिक, एवरी यानी हर कोई, हर वो नागरिक जो इंडिया का है, जिसने कि 18 इयर्स कंप्लीट कर लिए उसकी उम्र के, उसके एज के, तो वो कास्ट कर सकता है, डाल सकता है उसका वोट लोकसभा के इलेक्शन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। और अगर हम बात करें कि प्रेजेंट में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ पीपल में या लोकसभा में, तो टोटल 545 मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ पीपल में, लोकसभा में। और उन सभी मेंबर्स का जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है, जितने समय तक वो काम कर सकते हैं, टेन्योर मतलब जितने समय तक वो काम कर सकते हैं, होता है 5 साल। 5 साल बाद क्या होता है, फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से चुनाव होंगे, फिर जो पीपल है, जो जनता है, वो किसी को समझदार को वोट डालती है और फिर वो नेता बन जाता है, फिर वो 5 साल काम करते, फिर वो वापस चुनाव होंगे। इस तरीके से ये काम चलते रहता है। ओके, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, सलाह पे जो है, वो प्रेसिडेंट इस हाउस ऑफ पीपल को, यानी कि लोकसभा को जो है, वो परमानेंटली डिसॉल्व कर सकता है, खत्म कर सकता है, भंग कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं करेगा, प्राइम मिनिस्टर के यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह पर ही ऐसा करता है। इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी मतलब आपातकालीन, कोई ऐसी कंडीशन हो गई जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, जैसे कि अभी इमरजेंसी की कंडीशन ही चल रही है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अभी कोरोना का अटैक हुआ है, राइट, कोरोना का अटैक इन द सेंस कोरोना जो एक डिसीज है, पेंडेमिक है, महामारी है, तो वो कहीं ना कहीं एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। तो इस इमरजेंसी के दौरान ये जो टेन्योर है, जो काम करने का समय है लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल के मेंबर्स का, वो एक्सटेंड किया जा सकता है। एक्सटेंड करने का मतलब होता है बढ़ाना, तो 1 साल के लिए इस समय को बढ़ाया जा सकता है। तो 1 साल बढ़ाने का मतलब ये स्टूडेंट्स की 5 साल जनरली होता है, पर इमरजेंसी के सिचुएशन में उनका जो टेन्योर है, जो समय है काम करने का, वो 6 साल तक किया जा सकता है। लेकिन वो भी सिर्फ एक ही समय, एक ही बार ऐसे पार्लियामेंट में हो सकता है। ऐसा नहीं कि हाँ इमरजेंसी है तो ज्यादा बढ़ाते गए, 1 साल मैक्सिमम एक बार बढ़ाया जा सकता है एक बार के टेन्योर में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल को सिलेक्ट किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।